आप मीडिया देख ले, सारे दोस्तों भरावान भैनों मेरे सत श्री अकाल, जिन्हों के कारण थोड़ा रूबरू होने का मौका मिले। दोस्तों मेरा पिंड करियावां जिला शहीद भगत सिंह नगर, किते वजो मैं टेलर मास्टर हाँ तो नवांशहर अपनी खूबसूरती बिगाल करता हाँ। और लिखण का शौक मैं काफ़ी लेखकों पढ़ने के बाद लग्या, जिन्हों में पाश भी है, उदासी भी है, लाल सिंह दिल भी है, और मैं भगत सिंह की विचारधारा ने बहुत प्रभावित किया। दोस्तों मेरी पहली नज़म है जाटू जम्मू। जाटू जम्मी तयों लगा, जाटू जम्मी ता यों लगा, जिमें तेरे होठां दा पहला चुम्मा साडे अंदर दे पुरखियां तक जी तोड़दा युद्ध करके साडे लज़दे बुल्लां तक पहुंचा। मैं खुश हाँ कि अंदर ते सौड़े पुरखे हार खिंड गई, ताजा लिपे वेले वर्गी जिंदगी दी खुशबू। जाटू पहले दिन स्कूल गई तयों लगा, जिमें अज तक पख्या सूरज हाथ विच तेजाब दीआं बोतलां फड़ी खड़ा हो गई। तेरी फट्टी ते लिखे धी नां दे अखर नूं खाड़ां दे। जाटू शहर गई अखरां चों सीरतां दा भेद लभण दे, तयों लग्या जिमें तूं सरकंडियां दी सड़क ते उतर गई हो। मैं तेरे तोतले बोलां विच्चों, तेरे चुन्नी दे सितारियां विच्चों तेरे सामने, मैं तेरे तोतले बोलां विच्चों, तेरे चुन्नी दे सितारे विच्चों सितारियां विच्चों मैं तार के तेरे सामने, जिमें शहर का जंगल नंगेज गीतां दा संविधान लैके खड़ा हूं। मैं तेरिया बंका दी छंकार विच्चों ते घाटी दहलीज विच्चों सिर्फ तेरी उच्ची सीरत ही वेखी। तू यकीन नहीं करेंगी असी अग विच रेशम लैके लंघन के एहसास में कंपते रहे। दोस्तों मेरी दूसरी नज़म है नामोशी। एक किसान पे लिखी हुई कविता है और ये आम वापरन वाली घटनावां जो किसी ना किसी घर वापरी पेशे कविता। छटपटाया तो होगा तिल मिलाया तो होगा मंडी विच सुखों पहला आरती दी वही वेख धी दे चुन्नी दे सितारियां विचों पुत दे हत्थां विचों अपने आप नूं लभदा अपनी नामोशी ते रोंदा रोंदा मुस्कुराया तो होगा दहलीज टप्पणों पहला उजड़ी बेई कंढे बूढ़े रुख नाल सवखते लमकता जो शख्स मिले। दोस्तों मेरी दूसरी रचना है असल विच। ये रचना असल विच उन्हां लोकां दी है जिहड़े लोग पखंड अंधविश्वास की भेट चढ़े हुए और उन्हां विच पूरी तरह ग्रस्त ने, और वो एक इंसान नूं तां पानी नहीं पिला सकते लेकिन हाँ पत्थर नूं दुध नाल नहला दें। उन्हां दे विषय दी कविता है पत्थर। असल विच सारिआं दे नहीं हुंदीआं मत्थे उगीआं अक्खां, अन्ने हुंदे कई अकलां वाले अक्खां वाले, उगिआ हुंदा जिन्हां दे जहन विच बंदा इक मंडी दी चिंस है औरत इक वस्तु जिसनूं कोई भी किसी वेले खरीद वट वट के सुट सकता है, जिन्हां दे सिर तां हुंदे पर नहीं हुंदीआं अक्खां, जिन्हां दे सिर तां हुंदे सिर्फ मुश्क दीआं हुंदीआं अक्खां बेबस लाचार लोकां नूं नंगिआं वेखण लई, जिन्हां कोल लोहे दा धड़ता हुंदा पर अपना सिर नहीं हुंदा। असल विच उही जिनस बंदिआं दी नहीं हुंदी आरामदिआं दी हुंदी, क्योंकि सारिआं दे नहीं हुंदीआं मत्थे उगी अक्खां, अन्ने हुंदे कई अक्खां वाले कई अकलां वाले। दोस्तों मेरी दूसरी कविता है कविता। ये उन्हां किरती लोकां दे विषय ते है जिहड़े बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने जिस मुकाम ते जींदे उस मुकाम तों उपर उठण लई। उन्हां विषय ते कविता लिखी सी मैं। आपां लिखांगे धुप दे वाक्यां ते
चढ़े सूरज दी लुकड़ मिट्टी खेड़दी भमत्तरी पहली किरण पकड़ के जिंदगी संघर्ष दी कणकां दे सिटियां वर्गी सुनहरी कविता खिंचांगे लोटू हाकमां दे जवाड़ियां चों लुट्टे सुपनियां दा लुट्टे जज्बातां दा अपने मुड़कियां दी महक दा पूरा पूरा मुल तू हौसला रख दोस्त किते इंज ना होवे तू धरती ते कीड़े वांग रंगण नूं जिंदगी समझ बैठे चुप नूं मुक्ति समझ बैठे अपने हत्थां दीआं कसियां लकीरां ना देख किस्मत वादी बाजा वांग खुले अंबर उधारी नहीं भरदे हुण मूंह दी बुरकी गुलाम हो गई है हक्कां दी आवाज बागी गर्दानी गई है आपां ढट्ठे घरां चों लुट्टे अरमानां चों लताड़े हुए किरतियां चों भुखे ढिड्डां दा एक सैलाब लैके चलांगे आपां लिखांगे धुप दे वाक्यां ते चढ़े सूरज दी लुकण मिट्टी खेड़दी भमत्तरी पहली किरण पकड़ के जिंदगी संघर्ष दी कणकां दे सिटियां वर्गी सुनहरी कविता। दोस्तों मेरी दूसरी कविता है भारत मां। साडे इत्थे जद भारत माता लफ्ज़ आता तो माता आम जिहड़े लोग आ एक देवी नाल जुड़ लैंदे पर मैं उन्हूं किसे देवी वजो नहीं पेश करता। भारत माता मेरे कहने का भाव सिर्फ इन्ना है कि जिस खिते विच जां जिस इलाके विच आपां जींदे हां जां जिस धरती दे हिस्से विच जींदे हां उन्हूं उस ते हिस्से नूं एक आपां अपने प्यार वजो सत्कार वजो एक मानता दिंदे हां उस धरते है। हे भारत मां सानूं इउं क्यों लगदा है तू गूंगी हो गई है बोली हो गई है जिवें तू अन्नी हो गई है तेरा जन गन मन टुट्टी बह बिना सुरताल बेसवादी गीत बन गया है। तू कदे वेखता सही साडियां सलाम बाफियां विच किदां तेरे सपूत रोटी लभदे ने तेरी मरी हुई नरेगा लैके कूड़े दे ढेरां विचों। तू कदे वेखता सही साडे पाटे झग्गियां विच साडियां सुकियां हिक्कां नूं साडियां डब खड़बियां बूठियां नूं जद असीं बाजारां विच नंगे कीते जांदे हां अपणियां धीआं समेत जिथे साडे मूंह विच थुक्किया जांदा है बेबसी गरीबी वधे आटे दाल दी मुल दा थुक। जद दफ्तरां सड़कां ते कोई ढड्डल बाबू टोंदा है साडियां धीआं दे अंग तूं सौं खा के दसी असीं तैनूं चोर लगदे उदों चीरहरण हुंदा तेरा बंदे मातरम। साडे हत्थां दीआं बुल्लां दीआं पैरां दीआं उदड़ियां चमड़ियां दा वेख ਸਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਿਰਦਾਂ ਸੁਣ ਤੇਰਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਮ ਹੈ ਜੇ ਵਕਤ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਉਸਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਦੀ ਮਛਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਾਟੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਖਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡੇ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਕੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਟਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਲੂਸ ਹੋਈ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਚਰਿੱਟੀ ਹੋਈ ਨਿਰਵਸਤਰਹੀਣ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬੰਬਾਂ ਟੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੈਡਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੱਫਣ ਆਪ ਬਣ ਪਰਤੇ ਕਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਭਵੱਤਰੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾ ਵਕਨੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਦੀ ਗੋਲ ਇਮਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਖਰੀਦੀ ਬੋਟ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਗਈਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਸਤਾਕਸ਼ਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਰਖ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਟੱਪਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਰੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਤੀ ਨਸਲ ਨਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ
हाले तां मैं तेरियां अखां विच तेरे बापू दे सोच ते मोती नाल बुढ़ी होई उसकी डौलिया की मछली के मूहों लुपी हुई रोटी बारे सोच रहा हाँ। जे वक्त बचा तो तेरिया जुल्फां की तारीफ भी जरूर करांगा। दोस्तों मेरी नज़म है चुप। ये साढ़े सिस्टम के उपर भुगती है। तुसा निकल लिया है साढ़े हिस्से का सूरज। साढ़े वस्त्र हड़प ले गए ने स्विस बैंकों में साढ़े हाथों के रटण के नाल। तुसा साड़ी चुप वेखी है, तुसा साड़ी भुख वेची है। साढ़े मुंडिया का लूस होना गवाही भरता है कि भारत माता का नक्शा किसी अमीर जाति के पैरी बनिया घुंगरू बन गया है। दोस्तों मेरी नज़म है अर्थहीन। साढ़े संविधान मुताबक हर इंसान बराबर, पर बराबरता है कितने? साडा सिस्टम साढ़े लोग जातां नस्लां भेदभाव में बंटे हुए, इतों तक कि पिंड शमशान घाट भी अलग अलग कर रहे हैं और सारे दे गुरद्वारे मंदिर मसीत सब दे अलग अलग कट्ठे किए। सिर्फ कागजा बच्चा उस विषय की मेरी कविता है अर्थ फाड़ के जला दो संविधान दो परचा जिथे बराबर का लफ्ज चिट्टा कागजी लहू बन के जम गया है। साड़ी कुछड़ विच दे के भुख दे सुलग दे असुरक्षित पहाड़ हाकमां दे पैरां थले बिंडौत कर लई ते बन गया है अर्थहीन लफ्स बराबर का। भर दौ वगदी वंजली दे शेकां विच गोल चंद दा टुकड़ा, नकार दौ नीली छत की विशालता जो एक होण का दावा करती है। साढ़े साढ़े भुखे उदड़े जले हुए मास के टूटिया नसल नसलों के पिरामिडा से खड़ा करके अपने बेशर्म हासे साढ़े मुँह से थुकती है जातिवाद का शोक का मादरवा। दोस्तों मेरी एक नज़म है ऐ जिंदगी। मैं चाहता तू जद भी मिले इदा मिले जिदा हम भी हर एक सिटी जिंदगी उजड़े हुए घर हाथों के पोटिया कसिया लकीर रिस्क मिलता है, भरमा सह मिलता है, आखिर हो निबड़ता है उम्र भर का फलसफा। मैं चाहना हाँ तू इदा मिले जिदा पतंग उड़ाते बालों पता ही नहीं होंगे जिंदगी की कशमकश में पल रहा बाजार में बिकन वाले चाम वाले परमोटा मंदिर के घंटिया चो निकलिया देवदासियों दीक मिट्टी के भगवाना के पोटरे परोलदियाँ पिंड के छापड़ तैरदिया मिलदियाँ धर्म के खंगूड़े नाल कुछ मरिया कुछ सहमिया सहमिया कंजक। मैं चाहना तू इदा कदे ना मिले तू इदा कदे ना मिले ऐ जिंदगी। दोस्तों मेरी नज़म है आज़ादी। तुसीं किस आज़ादी की गल करते हो? गंदगी के ढेर विचों रोटी लभण की आज़ादी, सड़कों पर समूहक बलात्कार की आज़ादी, हक्कां लई उठे सिरां उपर लाठियां गोलियां बरसाउण दी आज़ादी, धांधलियां सैक्स स्कैंडलां घोटालियां दी आज़ादी, साधा के भेस में लुके रसाना दी लत्तां कुट्टां दी आज़ादी, असैंबली बैठ के अश्लील फिल्मां वेखण दी आज़ादी, अखौती डेरियां विच नवीं पनीरी सुल्फां बनाउण दी आज़ादी, स्कूलों के सिलेबसां विच चमत्कारी किस्से पढ़ाउण दी आज़ादी, बिजली के खंभिआं नाल लगे डेंजर बोर्ड वर्गियां शकलां वर्गे मजदूरां भुखे मरन की आज़ादी की, तुसीं किस आज़ादी की गल करदे हो? दोस्तों मेरी नज़म है बदरोह। हाँ असी बदरोही हाँ। ठुर ठुर करदा साडा भूगोलिक जिसम कपड़े की मंग करता है, रोटी की मंग करता है, पर झौले सिस्टम में साडा आटा खिंडर जाता है। जे मंग विद्रोह है असी देश द्रोही हाँ। तुसी लभो नवीं धरतियां नवी दुनिया नवीं गलैक्सियां, लिखो ध्रुव तारे दियां लिशकवीआं कथावां। असी भी धरती दे रिंगण वाले कीड़े ने कि तुहाडे किल्लीदार बूटां दे खाक नाल कंब जावांगे। असी भी डांगां पत्थर हाँ जिथे वजांगे धरा करांगे। ऐ सियासत विच लिवरेज होए मुश्के कूड़े दा ताज कन्नी टपू टपू करते मेरे देश के भुखे नंगे हाकम। दोस्तों मेरी नज़म है बाबा नानक।
बाबा नानक साढ़े लिए वो शख्सियत ने जिन्हों नाल साडा बहुत मोह है। उसके दो तीन कारण मैं अपने अपने मुताबिक समझ लिया। एक तो उनका रंग रूप, साडा रंग रूप उन्हां मुताबिक है, असी उन्हां तो बहुत कुछ बचपन तो ग्रहण किया है। जिस प्रांत विच जिस सूबे विच असी वासा करते हाँ और ये धरती उन्हां दी गिणी जांदी है, पर कुछ अखौती बाबे जां अखौते डेरे उन्हां नूं कुछ होर ही बना के पेश करते हैं, जां उन्हां दे नाते लोकां दा आर्थिक मानसिक शोषण करते हैं, जां उन्हां नूं लुट कसुट उन्हां दे लोकां दी बेरहमी नाल करते हैं। और मैनूं नहीं लगता जो चंद कर किस्से सुना के बाबे दी ओह तस्वीर पेश करते हैं बाबा हो जाऊ। बाबा दा दुनिया नूं राह पाने वाला मान महान सी, इहो जिहे चमत्कार किसे नहीं होणगे उसे लायक। दोस्तों मेरी नज़म है बाबा नानक। राती बाबा नानक आया सी सुपने विच, पुछदा सी दिल्ली ते दिल्ली की दामनी बारे। राती बाबा नानक आया सी बिना खंडे तो बिना झंडे तो बिना खतरे, पुछदा सी दिल्ली ते दिल्ली की दामनी बारे, पुछदा सी चासी के भरावां ते पुत्रां बारे, पुछदा सी रंगत पंख ते संगत बारे। नहीं सी बाबा सोभा सिंह की फोटो बारे, मैनू बाबा आप जी संघर्षी लगे, दिखाउंदा सी अपने किरत नाल पक्के हाथ पर जलौस उसकी अखां विच मन वरख्या अधिकारां। बड़े गौर नाल देखिया बाबे ने मेरी उदासी वाली भागो ते लालू का घर पुछ मेरे तो वाक हो गया। गुरद्वारा एक अंदर बैठा एक बार बैठा, बाबा उदास होकर चला। दोस्तों मेरी नज़म है मन। मन वो आ कदे तो यह अंबर उडारी भरन की गल करता है तो कदे सहम जाता है तो कद ये एक महाबलास्ट होंगे जो हरेक की जिंदगी वापरते। मन हर बार मन मंदर नहीं होंगे, भरम हों बुद्ध वाग शांत होकर बैठा, बुद्ध की अशांति भुल के हर बार भरम भी नहीं होंगे, बारूद हों लुटिया इस तरह का हथों लुटी रोटी का हक्का बदले मिलिया डांगा का कट्टे सीसा का पीपे चो मौके आखरी मुल आखरी मुठ आटे का सामने विरोधी तर्कश ते टंगे अपने वल आउंदे अपने जिसम का। मन हर वार मंदर नहीं हुंदा, कदे कदे बारूद का स्टोर हुंदा। दोस्तों मेरी नज़म है अख। उसने तेरी सिफत उसने तेरी अख दी टूणे हारी सिफत एवें नहीं की, नाल नाल किते दबिया ऐलाननामा होगा तेरे पर कुतर जाना निगल जाना तेरा ठोडी वाला थे ऐ अनभोल कुड़ी। तन्नू उस दियां अखां संग तन्नू उस दियां अखां मुश्क दी संगता विखेगी, पर हौली हौली जिस दिन सामना करेगा रगां विच खौल दा तजाब, मां दे सिले सालू विच नंगी तार नाल लटकदे परिंदे वांग कम रही होगी तेरी टूणी हारी आ। जब तू जानेगी ये धरती अंबर ता तेरा है पर हवावां तेरे पक्ष ने ऐ अनुकूल कुड़िए, उसने तेरी टूणी हारी आखदे से ऐवें नहीं कीते। दोस्तों मेरी नज़म है कुछ पल। आओ कुछ पल उन्हां नूं देख के आईए जिहड़े उम्र के फाके चबदे इल्जाम समझदे जिंदगी, आओ कुछ सवाल उन्हां नूं करिए जिन्हां दे बूहे टाटा अंबानिया के खरकन नाल भी खुलते। आओ कुछ सवाल उन्होंने करिए जिन्हों के बूहे टाटा अंबानिया के खरकन नाल भी खुलते खुलते, साढ़े घर भेजते तिखे बूटा दियां टापां साढ़े हकां वेले जिन्होंने अक्सर हो जाता सुपन दोष। दोस्तों मीडिया पंजाब टीवी का धन्यवाद करता हाँ।
जिन्होंने मैं थोड़े रूबरू कराया और थानू मेरी बार जानने का मौका मिले और आखिर सत श्री अकाल दोस्तों धन्यवाद।